तो हेलो दोस्तों, आज है सैटरडे और आज हम लोग जा रहे हैं शनि मंदिर। और मेरे साथ मेरी मम्मी, मेरे पापा भी जा रहे हैं और पापा रास्ते में ऑफिस में उतर जाएंगे और मैं और मम्मी आज शनि मंदिर जाने वाले हैं। वहाँ पे हम लोग प्रसाद भी चढ़ाएंगे भगवान शनि को। और ये है दोस्तों अमित रॉय, ये अभी सुबह सुबह उठा है, देखिए ये नहीं जा रहा है। और बस हमारे साथ बने रहिए और फिर मैं आपको मंदिर के दर्शन कराऊंगा और फिर मैं आगे आपको रांची के शहर भी दिखाने वाला हूं। सो स्टे ट्यून। पापा अब उतर रहे हैं ऑफिस के लिए। ठीक है, ओके। पापा चले गए, ऑफिस जा रहे हैं पापा। तुम आ जाओ आगे दोस्तों। ये मम्मी भी पापा के साथ पीछे बढ़ गई थी, आगे का सीट खाली है। आगे आ जाओ ना। तो दोस्तों अभी हम लोग जस्ट पहुंचने ही वाले हैं और अभी हम लोग आ गए हैं डीपीएस स्कूल, मैं और मेरी मम्मी। तो मम्मी से मैं पूरे रास्ते में पूछ रहा हूँ कि वो पीछे क्यों बैठी थी। पता है दोस्तों, इन लोगों ने मुझे अकेले कर दिया था। मैं आगे बैठा था, ये पापा पीछे वाले सीट पे बैठे थे। तो क्या हो गया, बैठ गए तो जरूरी है। क्यों बैठे पीछे? पापा पीछे बैठे तो हम भी बैठ गए ना। ओह, जस्ट जोकिंग। ओके दोस्तों, तो हम लोग मंदिर पहुंचने वाले हैं तो वहां मिलते हैं। तो दोस्तों हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं और मम्मी भी इधर आ गई है और अभी ये प्रसाद के लिए पूरा सेटअप हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। और हम लोगों ने भी प्रसाद के लिए जितना हमसे बन पाया है हमने ये दान में दिया है चावल। और आज शाम को महाप्रसाद का आयोजन है खिचड़ी का। चलिए मंदिर की तरफ अब चलते हैं। दोस्तों ये दिया ये लेना पड़ता है, मैंने 5 दिए की थाली सजवाई है। ये क्या रहता है? अच्छा, देव में कहाँ कर चेंज है। मेरी मम्मी को देखो दोस्तों, सबको देती है। हो गया ना, अब बहुत लोग को ही मत दे देना। ये देखो दोस्तों, प्रसाद बन रहा है। आज शनिवार का दिन है और शाम को महाप्रसाद का आयोजन है तो खिचड़ी में डालने के लिए पूरा बन रहा है। सब लोग मिल के बना रहे हैं। यहाँ बगल में महादेव का भी मंदिर है। Thank you.
ये है दोस्तों लिट्टी, सत्तू को देखिए कैसे भरा जा रहा है। बिहार का फेमस लिट्टी चोखा, क्या क्या है? लिट्टी चोखा, टमाटर का, लिट्टी है चोखा, आलू का प्याज है, मुरई है, मिर्चा है, टमाटर टमाटर। वाह। तो दोस्तों लिट्टी खाने के बाद अब हम लोग गाड़ी से, अभी हम लोग एक जगन्नाथ मंदिर है वहाँ जाने वाले हैं, और मौसम बहुत ही ठंडा हो गया है। मैं आपको बताऊं, कल रात रांची का टेम्परेचर दैट वाज 9 डिग्री सेल्सियस, और बहुत ही ठंड है। हम सब अभी जैकेट और कपड़े पहन के आए हैं, मोटे मोटे शॉल्स, और लोग अभी रांची में एकदम ठंड का मज़ा ले रहे हैं। हम लोगों ने अभी चाय और लिट्टी चोखा खाया, और यहाँ से हम लोग अभी जगन्नाथ मंदिर जाने वाले हैं। मैं क्यों आप बता दूँ कि ये जो शनि मंदिर है दोस्तों, ये है धुरवा सेक्टर 2 में, जगन्नाथपुर थाने के पास है। ये जगन्नाथपुर थाने में पड़ता है और ये सेक्टर 2 में आता है। तो जिसको भी आना है वो मैप में सेक्टर 2 अगर लगाएंगे, और हाँ लैंडमार्क जो है वो कैराली स्कूल है। तो कैराली स्कूल जो है वहाँ के ही ठीक बगल में ही है ये शनि मंदिर। नवग्रह मंदिर है एक्चुअली, और पूरे रांची में इकलौता नवग्रह मंदिर है। तो आप ज़रूर आएँ, भगवान शनि आप सबके दुखों को हरें और आपको सुख संपत्ति और समृद्धि प्रदान करें। इसी शुभकामना के साथ जय शनिदेव। दोस्तों ये हम लोग आ गए हैं जगन्नाथ टेम्पल, अभी हम लोग चल रहे हैं, और ये रोड है, अब यहाँ से हम लोग चलने वाले हैं जगन्नाथ टेम्पल। दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं श्री जगन्नाथ टेम्पल। ये भी ध्रुवा में ही है, वो जो सेक्टर 2 है उसके आप आगे बढ़ोगे तो ये आपको दिख जाएगा, ये श्री जगन्नाथ टेम्पल। और देखिए खूबसूरत रांची का व्यू, ये हमारी कार। मैं आपको अभी मंदिर के अंदर जाता हूँ, मैं वहाँ से पूरा दर्शन कराता हूँ भगवान जगन्नाथ का, और फिर हम लोग रांची का भी दर्शन करेंगे। चलो मम्मी, मम्मी जय जगन्नाथ। ये देखिए दोस्तों खूबसूरत हमारी रांची शहर, और ये जो आपको दिख रहा है ये JSEA क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ पे अभी आगे आने वाले 27 जनवरी 2023 को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच भी होने वाला है। यहाँ से पूरा व्यू, और ये जगन्नाथ टेम्पल। और ये देखिए दोस्तों ये है रांची का न्यू विधानसभा। ये जगन्नाथ मंदिर टेम्पल से ये पूरा मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। और वहाँ हमारी गाड़ी लगी हुई है। तो दोस्तों मंदिर परिसर के अंदर में फोटोग्राफी अलाउड नहीं था, तो हम लोग ने मूर्ति का फोटो नहीं ले पाए, बट अभी हम लोग इसी कैंपस में हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे श्री जगन्नाथ टेम्पल धाम। और बस आज का ये ब्लॉग इतना ही है। आज हम लोगों ने शनि मंदिर के दर्शन किए, फिर आज हम लोग जगन्नाथ मंदिर भी आए, और इसके बाद दोस्तों हम लोग घर जाने वाले हैं। तब तक के लिए मेरा ब्लॉग और मेरे चैनल प्रागनी मोमेंट्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए,
और आगे अभी और भी अच्छे अच्छे सरप्राइज टूर्स एंड प्लान्स आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। जय जगन्नाथ।